हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओनली सिविल सर्विस एंड दिस इज तन्वी पाहुजा। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू अ टर्निंग पॉइंट इन अवर लेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। ठीक है, ये एक ऐसा समय था जहां पर फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन से हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था, क्या वो कारण थे जो पूरे इंडिया में तबाही मच चुकी थी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ये पूरा हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किस तरीके से फॉर्म हुई, क्या लोगों कौन से लोग इसमें इंडल्ज थे, दूसरी बात उसके क्या कार्यक्रम्स थे, प्रोग्राम्स थे, इसके तहत ऐसा क्या हुआ जो इतने ट्रायल्स, RIN की म्यूटिनी, ये सब हमको भारत में देखने को मिली। ओके, तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो एक फॉर्मेशन हुआ है, ऑफिशियली जो एक आर्मी हमको देखने को मिली है, इसकी स्टडी के लिए हमने इसे दो फेजेस में बांटा गया है। अब वो दो फेजेस हैं फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्टार्टिंग हुई टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। फेज 2 में हम पढ़ेंगे कि इसमें सुभाष चंद्र बोस का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है, और उसके बाद क्या वो प्रोग्राम्स रहते हैं दैट वर अडॉप्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस एंड हिज कलीग्स। ठीक है, तो फेज 1 को पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया गया था मोहन सिंह नाम के व्यक्ति से। ठीक है, ये फॉर्मेशन हुआ था मलाया में। अब आप सोचेंगे कि मलाया नाम की जगह, जो कि भारत के बाहर एक देश है, उसमें एक आर्मी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई और क्यों बनाया गया। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स जो कि भारत में कार्य करते थे अगेंस्ट मूवमेंट, ठीक है, जो हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये सब स्टार्ट करते थे, तो हमारे नेशनल लीडर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट करती थी। ये अरेस्ट करके साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में एग्जाइल के लिए भेज देती थी। अब हम सोचेंगे साउथ ईस्ट एशिया है क्यों, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ थी जो कि ब्रिटेन की कॉलोनियल पावर, कॉलोनियल कंट्रीज़ हुआ करती थी। मतलब यहाँ पर भी ब्रिटेन का कॉलोनियल रूल था, कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में, एंड मलाया वॉज वन ऑफ देम। यहाँ पर हमारे कुछ प्रिजनर्स को प्रिजन में डाला गया था, जेल में डाला गया था, जिसमें से इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे मोहन सिंह। अब इंडियन नेशनल आर्मी हमें फॉर्म करनी चाहिए, ऐसा आइडिया दिया गया था मोहन सिंह नाम के व्यक्ति से। मोहन सिंह ने कहा कि हम एक बहुत अच्छी अचीवमेंट इससे हासिल कर सकते हैं, जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं इनको हम बनाते हैं आर्मी, इनको बनाते हैं हम आर्मी का हिस्सा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने हेल्प ली जापानीज की। अब यहाँ पर जापान की एंट्री हमें देखने को मिलती है। तो ये वो समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, 1939 में वी ऑलरेडी न्यू दैट द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपन। ठीक है, अब ये वॉर होता है दो पावर्स के बीच में, एक होती है एलाइड पावर्स जिसमें रहते हैं ब्रिटेन यानी कि UK, दूसरी बात रशिया और अमेरिका। ठीक है, ये बड़े पावर्स मिलके लड़ते हैं अगेंस्ट जर्मनी, इटली और जापान। तो यहाँ पर हमने देखा कि जापान भागीदारी था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, अगेंस्ट होम ब्रिटेन। तो जापान इस समय पर काफ़ी राइज में था। हमने देखा कि जापान ने, छोटे से देश ने, इतनी बड़ी तबाही मचा रखी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत कि उसने रशिया जैसे बड़े देश, जाइंट देश को हरा दिया। इवन वो चाइना में एंटर कर चुका था, मंचूरिया को अटैक कर चुका था। दूसरी बात, जो ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी साउथ ईस्ट एशिया में, उसको पे भी राज अपना बैठा चुका था। तो इस समय साउथ ईस्ट एशिया में थे हमारे प्रिजनर्स और जापानीज का राइज, मतलब जापानीज के अटैक्स। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनता है इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों का और जापानीज लोगों का। आगे देखते हैं कि क्या होता है। सेप्टेम्बर 1942 के टाइम पे इंडियन नेशनल आर्मी की पहली डिवीजन बनाई गई। ठीक है, इस डिवीजन में 16,300 लोग भागीदारी थे। ये डिवीजन बनाई जाती है सिंगापुर में। ठीक है, पहली डिवीजन किसकी, इंडियन नेशनल आर्मी की। अब जापानीज क्या सोच रहे थे, इंडिया में इन्वेड करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेनियल कंट्रोल था और वो थे ब्रिटिशर्स के दुश्मन। तो इस चीज़ के लिए उनको चाहिए थी इंडियन नेशनल आर्मी की हेल्प।
किसी ना किसी की हेल्प तो चाहिए। तो उन्होंने सोचा ठीक है हम इंडियन नेशनल आर्मी की हेल्प कर देते हैं, इस आर्मी को फॉर्म करने में हेल्प कर देते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इसके तहत वो हमको मदद करेंगे किसकी लड़ाई में, ब्रिटेन की लड़ाई में। ठीक है, तो जापान ने ऐसा सोचा, वो अपना फ़ायदा सोच रहे थे, हम अपना फ़ायदा सोच रहे थे। हालांकि हम सबको पता था कि एक इम्पीरियल पावर ही है जापान, हम किसका साथ ले रहे हैं, एक इम्पीरियल पावर का, तो हो सकता है कि ये हमें धोखा दे जाए। और ऐसा ही कुछ हमको आगे देखने को मिलता है। मोहन सिंह और जापानीज की आर्मी के बीच में डिफरेंसेस होना स्टार्ट हो गए, उनकी आइडियोलॉजीज के अंतर स्टार्ट होना चालू हो गए, और यहाँ पर हमको डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी रोकनी पड़ी। यहाँ पर क्या रुक जाती है, इंडियन नेशनल आर्मी की डेवलपमेंट। तो ये हमने देखा कि फर्स्ट फेज के अंदर किस तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले, फेज टू पढ़ने से पहले, क्योंकि फेज टू में है किसकी इन्वॉल्वमेंट, सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस इंडिया से सिंगापुर या मलाया या साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज कैसे पहुँचे, ये हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड देखते हुए चलते हैं 1929 का। 1929 में पेश की जाती है नेहरू रिपोर्ट, जिसके अंदर बात की जाती है किसकी, डोमिनियन स्टेटस की। ठीक है, अब ये डोमिनियन स्टेटस की बात मंजूर नहीं कर पाते हैं सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मंजूर नहीं करते हैं कि इतने सालों तक हम भारत के कॉलोनियल कंट्री में रहे हैं, आज भी हम किसकी बात माने, डोमिनियन स्टेटस की, नहीं, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। और ये दोनों मिलके एस्टैब्लिश कर लेते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। ये सब बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्यों पढ़ रहे हैं आगे आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड देखते हुए चलते हैं। अब जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग सुभाष चंद्र बोस और नेहरू फॉर्म कर लेते हैं, तो इस समय पर सुभाष चंद्र बोस का काफ़ी बोलबाला हो जाता है भारत के अंदर, लोग उन्हें काफ़ी पसंद करने लगते हैं, उनकी आइडियोलॉजी है वो लोगों तक पहुंचने लगती है। तो इस समय सुभाष चंद्र बोस का एक टाइम बहुत अच्छा रहता है। इसी बीच कांग्रेस का एक सेशन होता है हरिपुरा में। कब होता है ये सेशन, 1938 में। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये सुभाष चंद्र बोस की कि उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है इस समय। दिस कांग्रेस वर्किंग सेशन वॉज प्रिसाइडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। अब उन्होंने काम भी बहुत अच्छे करे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया नेशनल प्लानिंग कमिटी को। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहीं से हमें देखने को मिलेगा कि सुभाष चंद्र बोस में ऐसी क्या बात थी जो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी तक को फॉर्म कर लिया। ओके, तो हरिपुरा का सेशन उन्होंने प्रिसाइड किया, काफ़ी अच्छे काम किए, जिस वजह से उनकी काफ़ी भारत में पहचान हो गई और जितने कांग्रेस के लीडर्स थे वो उन्हें पसंद करने लग गए। अब अगला सेशन होता है 1939 में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक ऐसे लीडर्स थे जिन्हें फ्रीडम की बहुत ज़्यादा लगा था कि अब हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। लेकिन गांधी जी की आइडियोलॉजी से थोड़ी सी डिफरेंस था सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी में। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी में क्या था, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है। इन दोनों के बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि कोई किसी को पसंद नहीं करता था। कांग्रेस के अगर कोई मेंबर्स हैं, ठीक है, इंडिया में कोई भी नेशनलिस्ट लीडर एक दूसरे को नापसंद नहीं करता था, बस उनकी कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते थे। ठीक है, उनका काम करने का तरीका अलग होता था। 1939 में कांग्रेस का सेशन हुआ है त्रिपुरी में। ओके, इसमें हो जाता है लीडरशिप क्राइसिस। अगेन खड़े होते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं, वापस खड़े होते हैं फॉर दी पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन कांग्रेस। ठीक है, वो वापस कंटेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शंस को। वहीं गांधी जी अपने किसी लीडर को, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करते हैं, नॉमिनी बनाते हैं, प्रतिनिधि बनाते हैं। कौन थे वो, पिताभी सीतारमैया को बनाते हैं। अब हमें ये देखना है कि त्रिपुरी के सेशन में पिताभी सीतारमैया वॉज बैडली डिफीटेड इन इलेक्शंस, तो ये गांधी जी के थोड़ा पर्सनल लॉस हो जाता है। ठीक है, उनको उनको एक ईगोइस्टिक लॉस होता है कि उन्होंने किसी लीडर को खड़ा किया
और वो जीता नहीं, क्योंकि गांधी जी 1915 के समय से हमारे लिए कंटिन्यू भारत की आज़ादी के लिए खड़े रहे, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि मेरा प्रतिनिधि, मेरा नॉमिनी जीता नहीं। सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की जो राइट विंग कमिटी रहती है, यानी कि गांधी जी और उनके फॉलोअर्स रहते हैं, वो अपोज करते हैं। गांधी जी इस प्रकार की कोई प्रतिनिधि या गतिविधि नहीं करते थे, लेकिन एक और कमिटी थी, राइट विंग की सोच के लीडर्स थे, जो क्या करते हैं, अपोज करते हैं कि हम सुभाष चंद्र बोस के नीचे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, तो आउटलाइन कर देते हैं उनको कांग्रेस से, और फाइनली सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ से कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, किसी को नहीं पता। इंडिया की पॉलिटिक्स से वो अचानक से गायब हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक को। 1940 में वो फॉर्म करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे देखते हैं होता क्या है। फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म करने के बाद हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के फेज टू में। ठीक है, जैसे ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म किया, वो फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म करके चले जाते हैं जर्मनी। अब जर्मनी क्यों जाते हैं, जैसे ही वो जर्मनी जाते हैं, ओके, जर्मनी में क्या होता है, उनकी बातचीत हिटलर से होती है, मुलाकात हिटलर से होती है, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ जमता नहीं है। मतलब आर्मी का फॉर्मेशन करना था उनको, लेकिन उनको जर्मनी में सब चीज़ें जमती नहीं हैं। फिर उनको बात सुनाई पड़ती है कि मोहन सिंह नाम के व्यक्ति ने सिंगापुर के नाम की जगह पर इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, क्योंकि ये किसके कांटेक्ट में थे, राज बिहारी बोस के कांटेक्ट में थे, जो थे मोहन सिंह के असिस्टेंट या उनसे मिले हुए थे। तो राज बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में जुलाई 1943 में पहुंच जाते हैं, और इनको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट दिया जाता है बाय राज बिहारी बोस। अक्टूबर 21, 1943 में फाइनली सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म कर दी सिंगापुर में, जिसको हम कहते हैं आज़ाद हिंद की गवर्नमेंट। जय हिंद का नारा दिया गया और बार बार कहा गया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो वापस से इंडियन नेशनल आर्मी की जो डेवलपमेंट रुक गई थी, क्योंकि जापानीज ने हमें रिट्रीट किया था, वो वापस से स्टार्ट की जाती है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा वुमेन की भी एक कैंपियन या वुमेन का भी एक रेजिमेंट बनाया जाता है, जिसको कहा गया था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। पहली बार ऐसा सच रेजिमेंट वॉज सीन फॉर इंडियन वुमेन्स, ओके, पहली बार ऐसा कुछ देखा गया। अब इंडियन नेशनल आर्मी के तहत एक बहुत बड़ा, जो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें आता है बैटल ऑफ कोहिमा, जब ये इंडियन नेशनल आर्मी इंडिया के अंदर एंटर की जाती है, इंडिया के अंदर एंटर की करती है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ कोहिमा। बैटल होता है ब्रिटेन गवर्नमेंट के बीच में और इंडियन नेशनल आर्मी के बीच में। हालांकि इस समय पे भी जापानीज का हमारे ऊपर सपोर्ट था, ठीक है, जापानीज ने हमको आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ज़रूर क्रिएट कर दिए थे, लेकिन हमें अभी जापान का सपोर्ट था, क्योंकि उन्हें तो ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ना था। अब इम्फाल में ये कैंपियन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, बैटल ऑफ कोहिमा। बैटल ऑफ कोहिमा की लड़ाई होती है जापानीज और ब्रिटिश आर्मी के बीच में। INA की जितनी भी बटालियन रहती है इंडियन नेशनल आर्मी में, जितने भी आर्मी मैन रहते हैं, ये मिलते हैं जापानी आर्मी के साथ, लेकिन इस बीच उनको काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको जापानीज के तहत इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनको अलग माना जाता है, नीचा दिखाया जाता है, इन्फीरियर माना जाता है। तो जब इस बैटल ऑफ कोहिमा के अंदर हमें रिट्रीट मिल रहा था, कॉन्स्टेंट रिट्रीट मिल रहा था बाय जापानीज आर्मी, यहाँ पर हमारी सारी आस, हमारी सारे होप्स टूट गए। इंडियन नेशनल आर्मी के जितने सपने थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकाल फेंकेंगे, ये सारे सपने टूट गए, और 15 अगस्त 1945 में जब जापानीज आर्मी ने वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर लिया, तो इंडियन नेशनल आर्मी को भी सरेंडर करना पड़ा बैटल ऑफ कोहिमा में।
हालांकि बैटल ऑफ कोहिमा हमारे लिए एक बहुत बड़ी हार थी, लेकिन कहा जाता है कि हार के ही व्यक्ति जीतता है और इंडियन नेशनल आर्मी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल आर्मी जीती कैसे। 18 अगस्त 1945 में हमें पता लगा कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई, वो भी मिस्टीरियसली, जिसका राज आज तक किसी को नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ कैसे हुई। यहाँ जब सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है, सारे होप्स जो हैं हमारे वो टूट से जाते हैं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, जापान सरेंडर कर लेता है, जो भी एलाइड पावर्स के अगेंस्ट खड़े होते हैं, इटली जर्मनी सब सरेंडर कर लेते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को विनर समझ लेता है क्योंकि उसने इतनी बड़ी जीत हासिल करी है, तो वो अपने आप को राजा समझने लगता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है ट्रायल अगेंस्ट INA प्रिजनर्स ऑफ वॉर। वो सारे लीडर्स, वो सारे आर्मी मैन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा होते हैं, उनके अगेंस्ट वो क्या करता है, ट्रायल घोषित करता है। अब हम देखेंगे कि ये ट्रायल इंडिया के अंदर किस रूप से पेश होता है। जुलाई 1940 का समय था, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है, हमको ध्यान रखनी है। यहाँ पर होते हैं इंग्लैंड के अंदर इलेक्शंस होते हैं, जिसको जीत लेते हैं क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के मेंबर थे। यहाँ हमको ध्यान रखना है, अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, वो थे विंस्टन चर्चिल, क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे और उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड जिताया था, तो उनको काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस था कि वही अगली बार भी प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे। लेकिन यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं क्लेमेंट एटली, जो थोड़े से भारत की कांग्रेस से मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, उनका एटीट्यूड जो है वो काफ़ी हार्श नहीं होता। तो अगस्त 1945 में क्लेमेंट एटली डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया में भी नए इलेक्शंस होंगे, जो कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर होंगे और यहाँ पर असेंबलीज फॉर्म की जाती हैं। अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे क्या बात कर रही थी, हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब ऐसा एकदम क्या होता है जो 1945 में क्लेमेंट एटली बोलते हैं कि नहीं, हम सेंट्रल असेंबलीज बनाएंगे और आपको फ्रीडम देंगे। क्लेमेंट एटली ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से भारत को क्या मिली, आज़ादी मिली। अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो हमको आज़ादी मिलने में थोड़े और साल लग सकते थे। अब हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की तो मृत्यु हो गई, इंडियन नेशनल आर्मी के सारे लोगों को प्रिजनर बना लिया गया और उनके अगेंस्ट घोषित कर दिया कि अब तो ट्रायल्स होंगे। तो ऐसा क्या होता है जो इन्होंने हमें क्या दिलाई, आज़ादी दिलाई। थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं कि लेबर पार्टी का इलेक्शन जीतने पे भारत पे क्या असर होता है। अब लेबर पार्टी जो थी वो काफ़ी नरम दलीय लोग थे, ठीक है, देवर मोर सिंपैथिक इन नेचर। एक वेव फैल जाती है जैसे ही लेबर पार्टी आती है, किसकी, सोशलिज्म की और रेशियल आइडियोलॉजी की, ठीक है। दूसरी चीज़, नाउ ब्रिटिश इकोनॉमी शैटर्ड, ब्रिटिश की इकोनॉमी ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज वेरी बैडली एडवर्स्ड अफेक्टेड, तो वो इस समय पर भारत को रूल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। दूसरी बात, एंटी इम्पीरियलिस्ट वेव चालू हो गई, क्योंकि इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर हुआ और उसका सिर्फ एकमात्र कारण था इम्पीरियलिज्म, तो पूरे वर्ल्ड में क्या फैल जाता है, एंटी इम्पीरियलिस्ट की धारणा वेव फैलती हुई हमें देखने को मिलती है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक डर सताता है कि कहीं वापस एक रिवॉल्ट ना हो जाए। और इसी समय पर, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर रिवॉल्ट हो गया तो वो ब्रिटेन गवर्नमेंट को हिला सकता है, तो डिसाइड किया जाता है कि हम एक इलेक्शन करवाते हैं, जो कि क्लेमेंट एटली ने डिसाइड किया था, तो इसी वजह से इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन का एक कैंपियन डिसाइड करते हैं हम लोग, दैट इज INA का ट्रायल्स। अब INA ट्रायल्स में क्या होता है, मास प्रेशर अगेंस्ट ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स। जो प्रिजनर्स अरेस्ट किए गए थे इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर, तो क्लेमेंट एटली की गवर्नमेंट जो है वो मास प्रेशर डालती है कि इनके ट्रायल्स कराओ, इनको बेइज्जत करो, इन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी करी है, ये भारतीयों की इतनी हिम्मत कि हम इन्हें 200 साल से रूल कर रहे हैं और इन्हें हमारे अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करी,
तो वो पूरा ठान लेते हैं कि अब हम इनकी बेइज्जती करेंगे। किसकी? इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर्स की। पहला ट्रायल देखिए आप, बहुत ही ऐसा इवेंट है जो इंडिया को हिला देता है। पहला ट्रायल होता है रेड फोर्ट नाम की जगह पर, जो कि दिल्ली में है। तो मतलब बेइज्जती करने का स्थान क्या चुना है उन्होंने? दिल्ली। नवंबर में ये ट्रायल होता है, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी के मेन लीडर्स प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों को कोर्ट मार्शल के तहत डिसाइड किया जाता है कि अब इनके अगेंस्ट ट्रायल्स लड़े जाएंगे। ठीक है, इनके अगेंस्ट क्या करेंगे? अब हम ट्रायल्स करेंगे, ठीक है, कोर्ट मार्शल के तहत। अब ये देखिए आप, यहाँ पर चालू होती है बात इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स की। ओके, फिर अब देखने को मिला, ट्रायल्स तो हो गया, बेइज्जती कर दी, तो क्या भारत के नागरिक देखते रहते हैं इस तबाही को? जी नहीं। इस समय जो सपोर्ट देखने को मिला, वो भारत के अंदर एक अद्भुत दृश्य था, देखने लायक दृश्य था। काफी प्रेस ने इसको कवर करना स्टार्ट किया। इंडियन नेशनल आर्मी के लिए एक दिन की घोषणा करी, जो कि 12 नवंबर 1945 को एक दिन मनाया गया, इंडियन नेशनल आर्मी का दिन। ठीक है, और इसमें नाउ पार्टिसिपेशन इज वेरी ग्रेट, एवरी सोशल ग्रुप ऑफ इंडिया, एवरी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया कम टुगेदर अगेंस्ट दीज INA ट्रायल्स। फंड कलेक्ट किए गए लड़ाई के लिए। एवरीवन अनएक्सपेक्टेडली सिंपैथेटिक हो गया, किसके लिए? इंडियन नेशनल आर्मी के लिए। यहाँ पर कोई भी रेशियल हमको देखने को नहीं मिला, कि यहाँ पे कोई भी रेशियल डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा हम लोगों ने। एवरीवन वाज सिंपैथेटिकली पुटिंग देयर एफर्ट्स फॉर इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स। और यहाँ पर हमें देखने को मिला, ये तो एक ऐसी स्थिति बन गई, दैट इज इंडिया वर्सेस ब्रिटेन। अब यहाँ पर सिर्फ लीडर्स ही नहीं लड़ रहे, पूरा भारत लड़ रहा है अगेंस्ट ब्रिटेन। इसी बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग होती है, 1945 में होती है ये मीटिंग बॉम्बे में। यहाँ पर कुछ रिजोल्यूशंस पास किए जाते हैं, हम देख लेते हैं वो क्या है। तो डिक्लेयरिंग कांग्रेस सपोर्ट फॉर INA कॉस, कांग्रेस ने अपना पूरा सपोर्ट दिया किसको? INA के कॉस को, वो सारे मेंबर्स को जो कि क्या थे, जो बेगुनाह थे। ठीक है, इस सपोर्ट में एमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया खड़े हो गए, भूलाभाई देसाई जो कि नेशनलिस्ट लीडर भी थे, तेज बहादुर सप्रू, JN जवाहरलाल नेहरू, असफ अली खान, ये सारे लॉयर्स ने एक इतना तगड़ा जो है केस तैयार किया अगेंस्ट दी INA ट्रायल्स। अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। इसी बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 मेन अपसर्जेस करती है, क्या करती है? इंडियन नेशनल के ट्रायल्स करती है। पहले उन्होंने रेड फोर्ट पे ट्रायल्स किए, दूसरा ट्रायल होता है नवंबर 1945 में, जहाँ पर कलकत्ता में ये ट्रायल के अगेंस्ट लड़ाई की जाती है। ये तीन मेन अपसर्जेस क्या हैं? इन ट्रायल्स के अगेंस्ट जो है इंडियन नेशनल लीडर्स का या लोगों का व्यवहार है। अगेंस्ट व्हाट? इंडियन नेशनल ट्रायल्स। नवंबर में देखा गया पहला ऐसा अपसर्ज, पहला ऐसा भयानक दृश्य, कलकत्ता में पूरे लोग खड़े हो गए इंडियन नेशनल ट्रायल के अगेंस्ट। दूसरी चीज़ देखने को मिली फरवरी 1946 में, कलकत्ता अगेंस्ट 7 ईयर सेंटेंस टू इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स। इन आर्मी के ऑफिसर्स को 7 साल की जेल दे दी गई। तो फरवरी में सारे लोग खड़े हो गए कलकत्ता में, ठीक है। और दूसरी बात देखने को मिली 1946 फैब में, जहाँ बॉम्बे में लोग स्ट्राइक करते हैं और रॉयल इंडियन नेवी भी इन लोगों का साथ देती है, इसलिए हम इसको कहते हैं RIN की म्यूटिनी, मतलब रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी। अब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस अगर हम INA ट्रायल्स के अगेंस्ट देखें, एक तो INA के लिए हर वर्ग का व्यक्ति भारत का इससे जुड़ा था। हमने देखा है जब हमने सारे रिवॉल्ट्स देखे, लास्ट रिवॉल्ट था 1857 का, जब रिवॉल्ट हुआ था तब कुछ आर्मी मेंस या कुछ नेवी मैन जो भारत के थे, वो किसका साथ देते हैं, किसका फेवर करते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्योंकि वो उनसे वफादारी दिखाते हैं। तो इस समय पर जब INA के ट्रायल्स होते हैं, म्यूटिनीज होती हैं, अपसर्जेस होते हैं, इस समय पर ऐसा कोई भी वर्ग नहीं होता भारत का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे। सभी किसका साथ देते हैं? हमारा इंडियन लीडर्स का साथ देते हैं। तो यहाँ पर
RIN की म्यूटी देखने को मिली हमको, रॉयल इंडियन नेवी की। डिफाइज अथॉरिटी एंड इट्स रिप्रेस्ड, सब ने अथॉरिटी मानना बंद कर दिया, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, आर्मी ने भी, नेवी ने भी, पूरे सोशल ग्रुप ने अब मानना बंद किया कि तुम हमारे लिए कुछ हो। इवन ऐसा कहा गया है, एक बहुत बड़ी शिप थी उस पर लिखा गया था बड़े बड़े शब्दों में कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब समय आ गया, तुम्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए। सिटी के पीपल, आम आदमी भी इस म्यूटिनी को ज्वाइन करते हैं, और पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एक्सप्रेस सिंपैथी एंड सॉलिडारिटी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, सबको इंपीरियलिस्ट लीडर्स का इफेक्ट देखने को मिल गया था, तो भारत के अलावा भी दूसरे देश हमारा साथ देने लगे, हमारे खिलाफ सिंपैथी दिखाने लग गए। अब म्यूटिनी हुई क्यों, क्या कारण था, तो देयर वॉज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हमने देखा कि जो था ब्रिटेन, ये काफी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता था, अपने आप को क्या समझता था, सुपीरियर, ठीक है, उनकी रेस को क्या समझता था, गोरे हैं हम सुपीरियर हैं और तुम काले हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब्यूज किया जाता था हम लोगों को बाय सुपीरियर ऑफिसर्स, जितने भी आर्मी मैन थे, जितने भी रॉयल इंडियन नेवी के लोग थे, उनको अब्यूज किया जाता था सुपीरियर ऑफिसर्स से, बेकार अनपैलेटेबल खाना दिया जाता था, ऐसा खाना जो खाने लायक नहीं था। तो अब आर्मी और नेवी के लोग क्या सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, एंड दिस लेड टू व्हाट, इंडियन नेशनल आर्मी की म्यूटिनी एंड रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी, जिसे हम फेमसली जानते हैं INA म्यूटिनी या RIN म्यूटिनी के नाम से। इसी वजह से म्यूटिनी चालू होती है, जिसका बैकग्राउंड हमको मिलता है इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल से। ओके, अब हम देखेंगे कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है इसका या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। ये जो इतने ट्रायल्स हुए, उसके खिलाफ म्यूटिनीज हुई, उसका इफेक्ट क्या होता है, तो देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ मिलिटेंसी अमंग कॉमन्स। अब भारत की आम जनता ने भी मिलिटेंस का साथ देना शुरू कर दिया था, ठीक है। इट वाज अ इवेंट मार्किंग एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, अब शुरुआत हो गई थी कि भारत अब छोड़ना पड़ेगा किसको, ब्रिटेन को, ब्रिटिशर्स को। प्रमोटेड ब्रिटिश टू गिव कंसेशन, अब ब्रिटिशर्स को हमें कंसेशन देना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स थे, लाइक वायलेंस, एग्जैक्टली वायलेंस तो होना ही था, इतना बड़ा विरोध था। अपसर्जेस देखने को मिले जो काफ़ी शॉर्ट लिफ्ट थे, इतने सारे लोग अपसर्ज नहीं कर पाए ज़्यादा लंबे समय तक, तो भी लेकिन ये एक ऐसी चिंगारी थी जो आग का रूप लेती है आगे जाके, और आग लगने पर हमको मिलती है फ्रीडम। ओके, सक्सेस क्या देखने को मिलती है हमको INA ट्रायल्स के अंदर, कि सिर्फ वो लोग, वो इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर्स जो अक्यूज्ड हैं, किसके तहत, मर्डर, ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ फेलो प्रिजनर्स, इन चीज़ों के लिए अगर कोई एक्यूज्ड है तो सिर्फ उनको ही ट्रायल दिया जाएगा, बाकी सबको बेगुनाह घोषित करके छोड़ दिया जाएगा। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कम्स ड्यू टू INA ट्रायल वॉज दैट अ कैबिनेट मिशन फॉर विल बी सेंड फॉर द फर्दर पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हम लोगों ने देखा पहले भी कई कमिटीज़ बनी, ऑगस्ट ऑफर भेजा गया, क्रिप्स प्रपोजल भेजा गया, लेकिन भारत के लोग उसको नामंजूर कर देते हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, आपने इतना विरोध किया है, जो उनसे अब जिला नहीं रहा, क्योंकि क्लीमेंट एटली की सरकार बन जाती है, अब इन लोगों से इतना विरोध जिलाता नहीं है, तो वो बोलते हैं कि कैबिनेट मिशन लाएंगे हम एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, थोड़ा इंतज़ार करिए। ये थी सक्सेस ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स, ठीक है। 1945 और 46 में, जैसा कि क्लीमेंट एटली ने प्रॉमिस किया था, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट इंडियन नेशनल ट्रायल। लेकिन ये जो एक्टिविटी थी इंडियन नेशनल ट्रायल के अगेंस्ट, जो हमने प्रोपोगेंडा बनाया, कैंपियन बनाया इलेक्शन का, वो एक्सटेंड हो जाता है और वो वायलेंट सप्रेस हो जाता है, अपसर्ज होने लग जाता है वायलेंट रूप में। इस समय कांग्रेस ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करती वायलेंट एक्टिविटीज़ को, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कांग्रेस है, पर ऑफिशियली इट इज़ नॉट सपोर्टिंग दी वायलेंस, इट वॉज अगेंस्ट दी वायलेंस। इलेक्शन का कुछ इस प्रकार रिजल्ट आता है कि 90% ऑफ मुस्लिम वोट्स, 57 आउट ऑफ 102 सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें मिलती है, और कांग्रेस की मेजॉरिटी देखने को मिलती है कई सारे प्रोविंसेस में एक्सेप्ट बंगाल, सिंध और पंजाब। तो ये हमने बातें देख ली
इंडियन नेशनल आर्मी की, उसके ट्रायल्स कैसे हुए, उसके ट्रायल्स के विरोध में आरआईएन म्यूटिनी, इंडियन नेशनल आर्मी की म्यूटिनी किस प्रकार होती है, क्योंकि क्लेमेंट एटली ने प्रॉमिस किया है कि वो कैबिनेट मिशन प्लान लाएगा, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी कैबिनेट मिशन प्लान से रिलेटेड होगा। और फाइनली माउंटबेटन प्लान आता है जिसको हम जून प्लान भी कहते हैं, और हमको मिल जाती है फ्रीडम। सो नाउ वी आर वेरी क्लोज टू फ्रीडम। स्टे कनेक्टेड विद मी टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़ एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ ओनली सिविल सर्विस। थैंक यू।